अमा लोग के दौर में ना सत्तू बहुत ज्यादा खाते हैं। जो गोली खाता है ना खाली पेट वाली, हाँ। तो वो भूख लगने के लिए होती है। अच्छा, मैंने कहा वो दिमाग खराब करने वाली खाता है। खिच दामनी। तो हमारी श्रेकी में रस्सी समझ लो, रस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इस YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक। पिछले वीडियो में हम गए थे स्विमिंग पूल पे और वहाँ पे हमने खाना भी बनाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो तैबा व्लॉग पे भी जाके देखिएगा, महक व्लॉग पे भी। इससे जो पहले की वीडियो अपलोड है वो बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो है। और वहीं से हम लेके आए थे दूध, और स्पेशली जी अभी छोटी खाले ने आते ही अपने हाथों से चाय बनाई है, क्योंकि हमारा ये चाय ऐसी बनाती है ना कि कड़क, आंखें खुल जाती है। मामू की भी नींद है। मामू, इसका मतलब आपकी आंख नहीं खुल रही। नहीं, मैं कम करूंगा, इतनी ज्यादा नहीं पीऊंगा, आधी आपकी मामी को दूंगा। चलें फिर, ठीक है। और मामू एक अमानत जो है ना पकड़ के बैठे हुए हैं। कहते हैं कि ना ये अमानत हमारी कराची वाली सिस्टर की तरफ से है, और ये जाके ना हम देख के आनी है उन सिस्टर जी को। तो ये अमानत तो पैक हो चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि जाके नल की वीडियो बना के आऊं। दो नल लगे हैं, ये दोनों सिस्टर जो ना यूके से। अच्छा, ये हैं अलग अलग। अच्छा, अलग 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 अलग। चलें, एक एक नल है, एक एक का एक है, एक का भी एक है। चलें, ठीक है। और मैं फिर कहता हूँ, फिर चले मैं चाय बन पी के ना, अगर चाय मिलती है तो। चाय है? हाँ हाँ, ये है ना, आपकी चाय पड़ी हुई है। चले फिर, ठीक है। चाय पी के ना फिर चलते हैं, जाके वो देख के आते हैं अमानत, और फिर जाके नलके बनाने की उससे पता कर लेते हैं ना। ये आपने पास रख लो, नल बना की वीडियो बनाना, या पहले ये दे देना, जैसे आपकी मर्जी। चले, ठीक है। यहाँ पर जी बड़ी खाला ने दाना डाल दिया, बाजरा डाल दिया, और पुरसकून तरीके से मुर्गियाँ सारी ना, सिर्फ बड़ी खाला की ही मुर्गियाँ खा रही हैं, और कोई भी नहीं है। ऐसे नहीं, ऐसे ही हम ये इनको समझाती हैं, इनको समझ आती है जो डालता है ना दाने, फिर उसके पीछे पीछे भी, मतलब कि जहाँ वो देखे उसके पीछे पीछे हर चीज लटकाई हुई है। एक ही दफा दोबारा ना जाना पड़े। हमने नाम सही तो रखा है स्पाइडरमैन। अभी देखे चीजें कितनी है, 2, 3, 4 पांच छह बोतलें उठाई हुई है। तो अभी जो है ना हम यहाँ पे चाय एंजॉय कर रहे हैं, वो वहाँ पे अपना दाना खा रहे हैं मुर्गे ना। तो तबों को मैं बिठाती हूँ, अगर चाय बिस्किट खाती है तो। यहाँ पे हमने पानी भी मार दिया है, अभी पानी खुश्क हो गया है तो सब डालते हैं चरपाइयाँ। छोटी सिस्टर चरपाइयाँ डालेगी, मैं मंगवाती हूँ सौदे शाम के लिए, जो खाने में हमने बनाना है वो। बस अभी सर से सलाह लेती हूँ, मतलब पूछती हूँ क्या बनाए, तो फिर देखते हैं फिर क्या चीज़ बनती है। थोड़े दिन पहले हम छोटी खाले ने बनाया था सत्तू, और उन्होंने बना के वीडियो भी शेयर की थी, लेकिन हमने वो सत्तू जो है ना बाहर से मंगवाया था, यानी कि किसी से मंगवाया था, शहर से ख़रीदवाया था। यानी शहर गए थे तो वहाँ सत्तू बेचने वाला नज़र आया, तो वहाँ से सत्तू ख़रीदा था बनाने के लिए, रेसिपी बनाने के लिए। लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उस सब्सक्राइबर की तरफ से, हाँ, वीडियो देख कर ना उन्होंने सत्तू भेज दिया है। ये देखिए, अब ठीक है, अब हम भी रेसिपी बनाएंगे। स्पेशल है ना, और ये स्पेशल ना उन्होंने घर पे तैयार करवाया है। अम्मा की सहेली ने भेजा होगा, क्योंकि अम्मा को ना बहुत ज्यादा सत्तू पसंद है। नहीं, सब्सक्राइबर, एक और सब्सक्राइबर ने भेजा है। सब्सक्राइबर ने भेजा है, और देखें कितना जबरदस्त बना हुआ है। अम्मा की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अम्मा लोग के दौर में ना सत्तू बहुत ज्यादा खाते है। सिस्टर जी लोगों के घर पहुँच चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसी है तबीयत आप? कैसी हैं सिस्टर आप? अच्छा सिस्टर, चले हमारी कराची वाले से एक सिस्टर हैं, उनकी तरफ से आपके लिए अमानत थी, तो मामू ने कहा उनको ना अमानत जाके दे हैं, तो हाथ उठा के उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें। अल्लाह पाक उनकी फैमिली को खुश रखे, अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किल आसान करे, उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें, अल्लाह पाक उनके रिस्क में मजीद बरकतें अता करें। तो आप भाईजान की मेडिसिन वगैरह लें, या अपने घर के इस्तेमाल में लाएं। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। उनके लिए बाद में भी ढेर सारी दुआ करते रहिएगा, ठीक है मेरी बहन? हाँ,
चलें जी, जज़ाकल्लाह। अभी पहुंच चुके हैं नल चेक करने के लिए, और यूके से हमारी एक प्यारी सिस्टर की तरफ से दो नल आए थे, जिनमें से पहला नल है जी सदका जारिया हाजी अब्दुर्रज़ाक के नाम का और नसीम अख्तर के नाम का, जो कि बिलाल की तरफ से लगा के दिया गया है यूके से। अल्हम्दुलिल्लाह इस नल की तख्ती वगैरह भी लग चुकी है, फर्श वगैरह भी बन चुका है और नल भी अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है। और ये नल हमने लगा के दिया इन सिस्टर जी को, इनका नल नहीं था, हाँ हमें पता चला तो फिर हमने इनको लगा के दिया। सिस्टर जी आपका नल लग चुका है, आपको खुशी महसूस हो रही है? चलें जी, हाथ उठा के हाजी अब्दुर्रज़ाक और नसीम अख्तर के लिए ढेर सारी दुआ कर दें, और उनकी पूरी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआ कर दें कि अल्लाह पाक इनके रिज़्क में बरकतें अता करे, अल्लाह पाक इनको खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह पाक इनकी दिल की तमाम मुरादें पूरी करे, और अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। ढेर सारी दुआ कर दें मेरी बहन। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिस्टर जी ज़रा इस नल को चला के इस नल का पानी दिखाइएगा, नल का पानी भी बेहतरीन है, पहली मर्तबा चल रहा है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पानी है। चलें जी, जज़ाकल्लाह सिस्टर, खुश रहें और उनके लिए ढेर सारी दुआ करते रहिएगा, जज़ाकल्लाह खैर। अभी पहुंच चुके हैं यूके से आने वाले दूसरे नल की तरफ, जो कि हमें सिस्टर ने दो नल भेजे थे, उनमें से दूसरा नल ये है जी ब्राई सालिसवाब मोहम्मद शफी मरहूम के नाम का और ज़ुबैदा बेगम के नाम का, और ये तहर महमूद की तरफ से लगवा के दिया गया है यूके से। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस नल का फ़र्श वगैरह भी बन चुका है और नल भी लग चुका है, और ये नल हमने इन अम्मा जी को लगवा के दिया है, इनका नल नहीं था, इनको पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी। अम्मा जी आपका नल लग चुका है, आपको खुशी महसूस हो रही है ना? चलें जी, हाथ उठा के मोहम्मद शफ़ी मरहूम और ज़ुबैदा बेगम के लिए ढेर सारी दुआ कर देंगे, अल्लाह पाक मरहूम की कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनाए, और अल्लाह पाक हमारी ज़ुबैदा बेगम अम्मा जी की को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, और उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें, दोनों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी, और जो अम्मा जी हैं उनके लिए भी ढेर सारी दुआ कर दें। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। अम्मा जी अगर बुरा ना मानो तो नल चला के थोड़ा सा दिखाए, नल का पानी किवें, ज़रा नल चलाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी अम्मा जी के नल का भी पानी बेहतरीन है, अल्लाह पाक इनको भी खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह पाक इनके रिज़्क में भी बरकतें अता करे, और अल्लाह पाक मोहम्मद शफ़ी मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और ज़ुबैदा अम्मा को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अभी पहुंच चुके हैं नल चेक करने के लिए, और ये नल आया था हमारी सिस्टर ने यूके से भेजा था, जो कि असद का जारिया ताज़ीम भी वल्द अब्दुर्रहमान और वालदा गुलजार बेगम के नाम का। अल्हम्दुलिल्लाह ये नल भी लग चुका है, और इस नल का फ़र्श वगैरह भी लग चुका है, और ये नल हमने लगा के दिया इन सिस्टर जी को, और ये सिस्टर जी का घर है, पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा है। बेचारी गरीब खातून थी, इनके पानी का इंतज़ाम नहीं था, नल नहीं था इनके पास, तो हमें पता चला तो फिर हमने इनको ये नल लगवा के दिया। सिस्टर जी आपका घर में माशाल्लाह नल लग चुका है पानी के लिए, आपको खुश महसूस हो रही है? जी, खुश है ना? जी। चलें जी, हाथ उठा के ताज़ीम भी अब्दुर्रहमान और गुलजार बेगम के लिए ढेर सारी दुआ कर दें कि अल्लाह पाक इनके रिज़्क में मज़ीद बरकतें अता करे, अल्लाह पाक इनको खुश व खुर्रम रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, और इस नल का पूरा पूरा सवाब जो है ना उन्हें अता करे, ढेर सारी दुआ कर दें उनके लिए। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ सिस्टर जी नल चला के ज़रा दिखाइएगा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह जी नल पानी भी बेहतरीन दे रहा है इनका, ठीक है सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया। आप बाद में भी इनके लिए ढेर सारी दुआ करते रहिएगा, जब भी नल से वज़ू कीजिएगा, नमाज अदा कीजिएगा और पानी वगैरह भरिएगा, बर्तन धोइएगा, कपड़े धोइएगा, तो उनके लिए दुआ करते रहिएगा, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। अभी शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं जी आगे वाली बस्ती में, यहाँ पर भी काफ़ी सारे घर जो है ना गरीब बैठे हुए हैं, और आगे उनका नल नहीं था, तो ये एक टीलों का इलाका है, तो हमने कहा चले उन्हें भी नल लगवा दिया। इस तरह हम घूम फिर के ना एक सर्वे करते हैं, देखते हैं जहाँ पर नल नहीं होता। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे नल नहीं है यहाँ पे, तो वो नल भी लगवाने हैं। अभी आ चुके हैं दूसरे नल पर, जो कि यूके से हमारी एक और सिस्टर ने भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये नल जो है ना हमने इन अम्मा जी को लगवा के दिया, और इनका ये पीछे घर देख रहे हैं, ये भी काफ़ी बेचारी गरीब हैं, और कहती हैं कि 10 साल हो गए हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन हमारा नल नहीं था,
हाँ हमें तो देर से पता चला, अगर ये हमारे पास जाते तो हम इनको लगा के देते, लेकिन जैसे ही पता चला तो हमने इनको जो है ना ये नल लगा के दिया है। और ये नल है जी हदिया है बारगाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के लिए ये नल लगवाया है उस सिस्टर ने, अल्लाह पाक उनको अजर अता करे। और हाथ उठा के ढेर सारी दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उन सिस्टर जी की दिल की तमाम मुरादें पूरी करे जिन्होंने हदिया बारगाह में ये नल जो है ना पेश किया है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें जी, अल्लाह पाक उनके रिज़्क में बरकतें अता करे, अल्लाह पाक उनकी दिल की तमाम मुरादें पूरी करे, अल्लाह पाक उनके रिज़्क में बरकतें अता करे, अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, ढेर सारी दुआ कर दें उनके लिए। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। सिस्टर जी नल जरा चला के दिखाइएगा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह जी नल पानी भी बेहतरीन दे रहा है। सिस्टर जी खुश है ना, खुश है ना आप जी? आप खुश है ना? खुश है जी। आपका नल नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके आंगन में नल लग चुका है। आप खुश हैं? चलें जी, ढेर सारी दुआ भी करते रहिएगा, ठीक है? जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है बेटे का इम्तिहान लिया जा रहे हैं? अच्छा नल की वीडियो बना है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दो और तैयार थे जो आपने कहे थे कल, वो भी बना रहा हूँ। चलो ये तो अच्छा हुआ, चलो हाँ वो भी रेडी थे, चारों की बन गई। कल आपने कल बोला था जाने के लिए उनकी वीडियो बनाए, लेकिन ना वो कल मैं गया, भूल था, दूसरा काम चला गया था, तो फिर मेरे जहन से उतर गए, फिर मैंने आपको बताया नहीं, मैंने कहा शायद चलो अच्छी बात है मामू डांटे ना, तो फिर मैं आज वो भी साथ में बता के आया। चलो ये अच्छा हो गया, इसलिए तो देर होगी। चले कल में सारे आते हैं, दूसरा कलमा सुनाओ। दोम कलमा सुनाओ, दोम कलमा शाबाश। दूसरा दूसरा कलमा शहादत, शहादत पानी गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शाबाश, यहाँ पर मामी ने सालन बनाना स्टार्ट कर दिया, और आज इमरजेंसी तौर पर अंडे बनाए जा रहे हैं क्योंकि हम कहीं पे गए हुए थे और लेट हो गए थे वहाँ से आते हुए, तो मामी अब इमरजेंसी तौर पर जो सालन बना रही हैं। अभी ईशा की नमाज यानी कि अजान भी आने वाली है, तो ईशा की अजान के वक्त हाँ होने वाली है, तो यहाँ पर अंडे वगैरह छीले जा रहे हैं, और यहाँ पर टमाटर मिर्चें जो है ना नानी है मैंने बना के दी, और जल्दी जल्दी से मामी ने डाली हुई है, और जल्दी जल्दी बन जाएगी। कितनी देर लगेगी? 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। हाँ अंडे तो बॉयल हो चुके हैं ना? हाँ जी, अब मसाले को भुनाई करते हैं, तड़का लगाते हैं, फिर पानी लगाएंगे, तो जारी बात है शोरबा तो होना चाहिए ना, रोटी खाएंगे ना उसके हाँ, साथ और फिर मछलियाँ तैरेंगी और डुबकी लगाएंगे ऐसे? हाँ ऐसे, अंडे भी डुबकी लगाएंगे, हम भी डुबकी लगाएंगे, फिर खाएंगे। मुझे लगता है आज मामू को ज्यादा भूख लगी है। हाँ क्योंकि बेचारा ये सुबह सिर्फ एक ही रोटी खाता है, वो भी थोड़ी सी पतला सा पेड़ा भूनती हूँ, तो फिर खाई नहीं है। शुक्र है आज गुस्सा नहीं किया, क्योंकि आज दोपहर को हम सारा दिन घर नहीं थे, हम गए थे वीडियो बनाने के लिए ना, इसको पता है ना वीडियो बनाने के लिए गया, अपना रोटी करने के लिए गए थे, ये हमारी जॉब है। नहीं भूख लगे तब करते हैं थोड़ा बहुत ना। हाँ हाँ ये सच बात है, जब इसको भूख लगती है ना, नहीं हंसो नहीं, जब इसको भूख लगती है ना, ये हाथ धो के जब आ बैठे तो थोड़े सा लेट हो जाऊँ ना, तो उस टाइम नाराज होता है, कहता है वैसे तो कहती हो रोटी दूं सर खा जाती है। असल पता क्या है इसमें मामू का कसूर भी नहीं है, जो गोली खाता है ना, जो गोली खाता है ना खाली पेट वाली, तो वो भूख लगने के लिए होती है। अच्छा मैंने कहा वो दिमाग खराब करने वाली खाता है। नहीं भूख वाली होती है ऐसे ही, खाली पेट वाली भूख वाली होती है ना, मैदे के लिए वो मैदा सही हो जाता है ना, रिफ्रेश हो जाता है।
फिर भूख लगती है सारा दिन, फिर ज्यादा बात है दोपहर को भी कुछ नहीं होता, फ्रूट भी नहीं होते, तो इस वजह से बेचारे को भूख तो लगनी होती है ना। बस ये है कि बस अल्लाह पाक दे रहा है दो वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जैसे कि हमारे बहन भाई हमसे पूछते हैं कि इस दफ़ा मेरे प्यारे भाई जानवर कौन से ले आए हो, तो फिदा जान जो है ना वो चुप कर जाता है। अच्छा मैंने कहा आप मामू को बुला रही है। अच्छा चले रेडी हो गया खाना? नहीं अभी थोड़ी सी देर है, चलें जल्दी जल्दी रेडी करें, मामू को भूख लगी है आज। मामू को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो सबसे पहले मामू को खाना जो है ना वो मिल चुका है। वैसे हमारे घर में सबसे पहले मामी की रूटीन है, जब भी खाना तैयार होता है तो सबसे पहले नानी अम्मा को देती हैं, जब नानी अम्मा खाना स्टार्ट करती हैं उसके बाद फिर सबको मिलना स्टार्ट हो जाता है। आज मेरी अम्मा को भूख नहीं है। क्यों पता नहीं, चलें फिर भी दें तो सही, मैं दे के तो आता हूँ। वही मैंने अम्मा को बोला आप खाओ नहीं खाओ मेरी रोटी तो आएगी आपके पास, चलें दें। दो तेरी में से भूखने वो बोलेगी अभी मैं दो रोटी खाऊंगी। तैबा अम्मा को रोटी दे के आओ, इधर दो। पक्खा चला रही है वो, बहुत शरारती होगी। ये ले नानी अम्मा, बिस्मिल्लाह पढ़ी। मामी मुस्तफा बेचारा वो खाना मांगता मांगता सो गया, नहीं, नहीं उसको भूख नहीं थी, मुझे बोला है मामा मैं सो रहा हूं, मैंने कहा सो जा। अच्छा इस चार पाई की वो जो ये नहीं होती, मुझे तो कह रहा था भूख लगी है, जान पूछ के कह रहा वो डालनी है। ये मामू को बताओ उर्दू में क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं? खिच दामणी। वो तो हमारी सरेकी में रस्सी समझ लो, रस्सी। हां रस्सी, उर्दू में रस्सी हम बोल रहे हैं। तो इसको इसकी ना खिंचाई करने वाली है, देखा नीचे जाके पड़ा हुआ, दरमियान से झुक गई है। चले तो मैं भी खाना खाता हूँ और मोबाइल की बैटरी ना बिल्कुल डेड होने वाली है, खत्म हो गई। हाँ तो आप भी पुरसकून तरीके से खाना खाएं और फ्रेश हो। मैं भी खाना खाता हूँ, रिलैक्स करता हूँ और मोबाइल की बैटरी को चार्ज पे लगाता हूँ, क्योंकि बिजली सुबह की नहीं थी, बिजली अभी वापस आई है। और वैसे भी हम गए हुए थे बाहर व्लॉग बनाने के लिए, तो वो व्लॉग आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आज से जो अभी व्लॉग चल रहा है इससे पहले वाला जो व्लॉग है वो जरूर जाके देखिएगा। प्लीज बहन भाइयों हमें बताया करें हम कैसी वीडियो बनाएं, मतलब कि कॉमेडी वाली बनाएं, भूत वाली बनाएं, कौन सी वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो का करते हैं यही एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।